हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है 12:15, 12:15 बज रहे हैं। काम खत्म हो गया है, खाना पीना हो गया है। अब सोच रही हूँ कुछ काम कर लिया जाए। आज मैं सोच रही हूँ कि मेरी चूड़ियाँ ना इधर उधर पड़ी हैं सारी। कहीं जाते हैं जैसे मैचिंग पहन के, आके उतार के ड्रोर में रख देते हैं। आज सोच रही हूँ उन्हें सबको इकट्ठा करके एक जगह रखूँ, क्योंकि कई बार ना मिलती नहीं है चीज़ें, कौन से कलर की कहाँ चली गई। तो बस वही करने की सोच रही हूँ आज कि कर लूँ। और पायल बना रही है बहुत अच्छी ड्राइंग। चलो मैं अभी दिखाती हूँ आपको पायल की तरफ को कैमरा करके। देखो कितना बारीक काम कर रही है लड़की। पहले ये सारा पूरा ड्रॉ करा है पेन से, ना कि पेंसिल से, पेन से ही ड्रॉ करा है। और अब इसमें फिल कर रही है कलर, स्केच कलर से कर रही है। अब बहुत बारीक काम है। ये वाले कलर हैं इसके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो देखो कितना बारीक काम है, और फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और ये बारीक वाले पेन से कर रखा है, बहुत लाइट लाइट काम। और अब कलर पेन से कर रही है इसके ऊपर, मतलब स्केच से। और ये वाले स्केच हैं। ये कितने हैं पायल? 100। ये इसने पूरा एक डब्बा फ्लिपकार्ट से मंगाया ना, फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये टोटल है पेंट। इसमें 100 कलर हैं। इसमें एक तरफ मोटा स्केच है और एक तरफ पतले वाला। टबल है, टबल ट्वीच। देखो इधर तो ऐसा है पतले वाला, और इधर ऐसा है मोटे वाला। ये देख सकते हैं आप, एक तरफ पतला एक तरफ मोटा। और ये इसका आया है 2200 कुछ रुपए का है। ये पूरा इसने मंगवाया है। ये इसने अपने बर्थडे का गिफ्ट कह के मंगवाया कि मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दे दो। ये वाला कलर का डब्बा, इसमें 100 स्केच है। इसको बहुत शौक है पेंटिंग करने का, तो बच्चे के शौक के लिए सब माँ बाप करते ही हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पाल कह रही है जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो अभी आप इतना ही देख लो, पायल कर रही है इस पे काम। जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। और अब मैं लेके आ रही हूँ अपनी सारी चूड़ियाँ। उधर सेफ में रखी थी, तो इन्हें सबको मैं अरेंज करूँगी, इसलिए मैं इन्हें सबको यहीं उठा के ला रही हूँ, बेड पर रख रही हूँ। और ये डब्बियों में रखी है ना, तो आज इन्हें मैं सबको बैंगल बॉक्स में लगा दूँगी। मेरी ज्वेलरी भी जो है वो भी ऐसे ही पड़ी है सारी। वैसे तो आर्टिफिशियल में कम पहनती हूँ, लेकिन फिर भी 2-4 सेट तो हैं ही ठीक ठाक से। और ये सब मैंने निकाल के बाहर रख दिया है, सबको अरेंज करके रखूँगी आज अच्छे से। देखो ये कितना प्यारा सेट है ना, ये रेशम का काम है और ये बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद। लेकिन इसमें कमी क्या है, इसको ना आप पानी में नहीं पहन सकते। इसको पहन के आप पानी का काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल थोड़ी देर में खराब हो जाता है। मतलब इसके ये जहाँ जोड़ है ना इसके, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये पहन के बहुत ही क्यूट लगता है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। और मैं कैसे रखती हूँ इनको, देखो एक तो मेरे पास ये वाला बैंगल बॉक्स है, इसमें ये इस तरह के 3 डंडे हैं, इस तरह 3 बने हुए हैं इसमें, तो 3 वो आ जाती है लेयर इसमें चूड़ियों की। एक तो ये है, एक ये है, इसमें मैं कड़े रखती हूँ तो इसमें भी एक लेयर आ जाती है, ऊपर से दिखते रहते हैं इसमें कौन से हैं। ऐसे ही एक डब्बा ये है, ये सब चूड़ियों के साथ मिले हुए हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये डब्बा है, लेकिन ये बैंगल बॉक्स नहीं है, इसमें ड्राई फ्रूट आए थे कहीं से, तो दिवाली पे, तो ये वो है। ये खुलता है ऐसे, इसमें भी मैं अपने कड़े रख लेती हूँ, काफ़ी स्पेस है इसमें, और बड़े वाले कड़े इसमें आ जाते हैं मेरे। तो अभी मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, अब कड़े का कलेक्शन दिखाती हूँ।
देखो ये हैं ब्लैक कलर के, एक दो वीडियो में आपने देखे भी होंगे पहने हुए। और पता है मुझे इतना आलस है चेंज करने का, चेंज नहीं करती हूँ, चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा है मेरे पास फिर भी चेंज करने का आलस होता है। ब्लैक में ही एक ये है सिंगल, अगर कई बार ऐसा होता है ना कि एक हाथ में वॉच पहननी है और एक हाथ में कड़ा पहनना है तो आप ये वाला वेयर करती हूँ मैं। और ब्लैक में ही एक मेरे पास प्लेन भी है ये वाला, ये तो अधिकतर सबके पास आपको मिल जाएंगे। तो ब्लैक में ये है और ब्लैक में चूड़ियाँ भी हैं। इस तरह ये ब्लैक और गोल्डन, क्योंकि मेरे पास कई साड़ी ब्लैक हैं तो उनके साथ मुझे ब्लैक चूड़ियाँ भी चाहिए और वाइट, इन्हीं के साथ में अगर वाइट का कुछ काम होता तो वाइट भी वेयर कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया ब्लैक का, अभी आपको दिखाती हूँ मैं ब्लू। ये मेरे पास ब्लू में कड़े हैं, ब्लू ये भी बहुत सुंदर है, इसमें बारीक बारीक काम हो रहा है नक्काई, ये भी बहुत सुंदर है। ब्लू और गोल्डन साड़ी के साथ अच्छे जाते हैं। ब्लू में एक जोड़ी और हैं ये वाले, इन पे छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं गुलाब के, देख सकते हैं आप, ये भी बहुत सुंदर है। और ब्लू में चूड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, ये हैं गोल्डन और ग्रीन कलर के, आप इन्हें ग्रीन के साथ भी डाल सकते हैं गोल्डन के साथ भी। ये हैं ग्रे, इन पे भी छोटे छोटे गुलाब के फ्लावर बने हुए हैं, ये भी बहुत सुंदर है। और ये हैं गोल्डन, हल्का सा कॉपर टच है इनमें, देख सकते हैं आप कैसे लग रहे हैं। ये तो बारीक डिजाइन हो गया, इसी में मेरे पास थोड़े से बड़े, इसमें कॉपर टच है और इनमें हल्का सा सिल्वर टच है, मिरर वर्क भी है इनमें। तो ये मेरे पास इस डिजाइन के दो जोड़ी हैं, डिजाइन दोनों का थोड़ा सा अलग है, ये कॉपर टच में है ये सिल्वर टच में है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत क्यूट है, आप किसी के साथ भी प्लेन चूड़ी डाल के इन्हें डालें तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। और गोल्डन में ही मेरे पास ये दो और हैं एक्स्ट्रा, अगर आपको सिंगल सिंगल वेयर करना है तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा पीस है। और ये तो कई साल पुराने हैं, 5-6 साल के आसपास हो गए इनको, इनको भी 3 साल हो गए हैं, इनको भी 3 साल, इनको भी 4 साल के समथिंग हो गए हैं, 2 साल इनको, ये अभी लिए हैं 6-7 महीने पहले ही दोनों जोड़ी। अभी और दिखाती हूँ, अभी ये तो थोड़े से ही हैं, इन्हें डब्बे में रख दूँ एक बार। तो इस तरह देखो एक पूरा बॉक्स मेरा फुल हो गया इनसे। फिर आ जाती है रेड में ही, देखो ये सिंगल सिंगल है, रेड गोल्डन है, वाइट टच भी है इनमें, इसी में रेड वाइट ग्रीन, ये वाले मेरे पास 10 साल से हैं, तो बहुत क्यूट हैं, पहन के बहुत अच्छे लगते हैं। रेड में ये वाले भी हैं, इसके दो ना वो हो गए हैं, मोल गए हैं, मतलब ये कांच पे ही बने हुए हैं। और मेटल के जो पहले ले लिए मैंने ले लिया, मैं मेटल के नहीं लेती हूँ। तो दो ये हैं, ये भी कांच में है, लाइट स्काई ब्लू साड़ी के मैचिंग है ये, इस कलर का मेरे पास सूट भी है तो ये उसके मैचिंग है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और अब आ जाती है पिंक की बारी, ये तो मैं बहुत बार, अब तो मैं डेली में भी पहन लेती हूँ, ये है पिंक, ये इसके मैचिंग है, इस साड़ी के साथ आए थे, मतलब ये चूड़ियाँ हैं इस पिंक की और पिंक कड़े हैं ये, तो ये इसके साथ हैं। ठीक है, और जो ये तो हो गए थोड़े मतलब बाहर आने जाने वाले, और जो मैं रोज डेली में वेयर करती हूँ वो ये हैं, रेड हो गए,
ये ऑरेंज हो गए हैं, ग्रीन, ये दूसरे वाले ग्रीन, और ये भी चार हैं, ये भी चार हैं, अभी दो मुझे मिले नहीं है, पता नहीं कहाँ रखे हैं। और ये मैरून है, देख सकते हैं आप। और एक ये सिंगल ब्रेसलेट है, ये भी बहुत सुंदर लगता है, कभी आप वेस्टर्न ड्रेस पहनो तो उसके साथ इसको पायल भी वेयर कर लेती है और मैं भी। ठीक है, अब चूड़ियों की बारी आती, चूड़ियाँ देखो। तो जी ये है मेरी चूड़ियों का कलेक्शन, देख सकते हैं आप, नज़दीक से दिखाऊं आपको। इसमें सारी है पिंक, रेड, रेड का दूसरा जरी वाली, जरकन वाली, जरकन वाली, ये बीट्स वाली, इसमें ये है जरकन की चार चूड़ी, बहुत सुंदर है ये। ये मोती वाली है, ये किसी के साथ भी, ये भी मोती वाली है, ये बीट्स हैं, ये भी बीट्स हैं, ये भी बीट्स हैं, ये भी बीट्स हैं, और ये भी जरकन में है, बीट्स में ही। फिर ये घिया कलर में आ गई हैं, ये ब्लैक गोल्डन, और ये हैं वेलवेट वाली, ये हैं इस कलर की, रानी कलर की, और ये ब्लू कलर की साड़ी है मेरे पास, उसके मैचिंग वाली हैं, और ये इस कलर की भी मेरे पास साड़ी है, उसके मैचिंग है। और ये मुझे मंदिर से मिली थी, चार पांच चूड़ियाँ हरिद्वार से, तो ये वाली मैंने रख रखी हैं। इधर आप ये देख सकते हैं, पहनती तो मैं कम हूँ, लेकिन मेटल की चूड़ियाँ भी मेरे पास हैं, येलो मेटल में है, ब्लू मेटल में, रेड मेटल में, गोल्डन, ऑरेंज, ये गोल्डन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये कड़े हैं दो। ठीक है, अब कड़ों की बात आ जाती है। कड़े मैंने एक एक करके आपको सारे दिखा दिए हैं, अभी मैंने सभी हैं डब्बों में अरेंज कर दिए हैं, इस तरह देख सकते हैं आप। और ये इस डब्बे में मैंने सारी प्लेन चूड़ियाँ रख दी है, जो मेरे रोज के पहनने की हैं। और इधर इस वाले डब्बे में मैंने लगा दी हैं अपनी सारी रोज के पहनने की चूड़ियाँ, ये जो डब्बा रखा है मैंने, इसमें मेरे रोज के पहनने वाले कड़े हैं जो मैं रोज पहनती हूँ, ये देखते ही आप में, ये वाले वो कड़े हैं जो मैं रोज पहनती हूँ। और ये सब इन डब्बियों में रखी थी, मुझे बहुत ढूंढनी पड़ती थी ये सारी, तो आज मैंने ये सारी इनमें से निकाल के सेट कर दिए हैं। ये मेरे पास बहुत दिन से है चूड़ी वाला बॉक्स, लेकिन मैंने लगाई नहीं थी, बस याद ही नहीं रहती थी लगानी। और ये कड़े ब्लू वाले, ये मैंने आपको दिखाए नहीं, अब देख लो, ये मेरे पास जब मैं देवबंद रहती थी ना तब मैंने खरीदे थे, और ये अभी तक भी मैंने एक बार भी पहने नहीं है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है बस वो रखी रहती है, अब बहुत प्यारे से हैं ये, पर पहने नहीं गए एक बार भी, पता नहीं क्यों। कैसा लगा आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन? कलेक्शन तो क्या कहूँ, बहुत बहुत होती हैं सबके पास, मेरे पास तो बहुत थोड़ी सी हैं, पर हाँ जितनी भी हैं बहुत प्यारी हैं। ऊपर वाले ने जितना भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, मैं खुश हूँ। अब बहुत ही क्यूट क्यूट कलर है इनके, गोल्ड की भी हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रभु की दया से सब कुछ है। तो जी बताना जरूर आपको कैसा लगा मेरा चूड़ियों का कलेक्शन। और ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, ऐसा नहीं है, बस मैं आज इनको अरेंज करके रख रही थी, क्योंकि ना जैसे कहीं जाते हैं पहन के तो वापस आते हैं तुरंत निकाल के यहाँ रख दी, टेबल के पास रख दी, तो बिखरी हुई सी पड़ी थी, तो जब कहीं जाते हैं ढूंढना पड़ता है फिर, तो इसलिए आज मैंने बैठ के थोड़ा सा तो अरेंज कर दिए हैं सारी। आज तबीयत कल के बेहतर के मुकाबले आज कुछ ठीक है, तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे यही काम कर लेते हैं, और तो कुछ ज़्यादा काम था नहीं। और ये बस पैंती में, चाहे मेरे पास कितनी भी है पैंती में रोज में यही हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।